हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है सर आपका दीपक क्लासेस चैनल पे। और सर आज की जो वीडियो में मैं बात करूंगा वो स्टूडेंट जो ऑनलाइन मॉक टेस्ट पेपर देंगे, मतलब ऑनलाइन मॉक पेपर देंगे 6 सितंबर को। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो उनको ये अराइज हो रही है कि हम बिना पेन पेपर कैलकुलेटर के मैथ का एग्जाम कैसे दें। और ये सभी स्टूडेंट को प्रॉब्लम है। और मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सबसे मुश्किल माना जाता है फाउंडेशन के अंदर, अगर जिसकी मैथ शुरू से अच्छी नहीं है उसके लिए। दोस्तों मैथमेटिक्स में विदाउट पेन और पेपर एंड कैलकुलेटर पॉसिबल नहीं है मैथ में एग्जाम देना। पर इंस्टीट्यूट ने, मैंने पिछली बार जो वीडियो निकाली है, पिछली जो वीडियो क्लास निकाली है उसमें मैंने बताया था, एक हिंट दिया था लास्ट में। अगर आपने पूरी वीडियो देखी, अगर आपने पूरी नहीं देखी, मुझे पता है बहुत सारे स्टूडेंट ने पूरी वीडियो नहीं देखी, कमेंट देखकर पता चल जाता है कि देखिए देखिए जो चीज बताई है वही पूछ रहे थे, तो पता चल जाता है कि देखेंगे। मैं फिर बता देता हूँ, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई, अदरवाइज मैं बनाता नहीं वीडियो, क्योंकि मैंने वो चीज पहले बता दी थी। दोस्तों आपको पता है अभी डिटेल गाइडलाइन में पेन नहीं चल रही, पेन नहीं है, पेपर भी नहीं यूज कर सकते, कैलकुलेटर भी यूज नहीं कर सकते, तो क्या करें भाई मैथ का एग्जाम दे कैसे। तो मैंने कहा देखो ये आपका मैथ का कुछ एग्जाम है, तो सबसे पहले तो मैं आ जाता हूँ। देखो मैथ में आपके पास रेशियो प्रोपोर्शन चैप्टर जो मैंने अभी खोला है आपके पास। अब आप ये देखो कि मैथ में जो आपके पास क्वेश्चन पूछ लेगा वो कैसे क्वेश्चन पूछेगा, मैं आपको बता दूं कैसे पूछेगा। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, देखो अगर आप अगर पेन का मना कर रहा है इंस्टीट्यूट, पेपर या नोटबुक या कैलकुलेटर यूज करने से मना कर रहा है, तो आप ये बाद में आपके दिमाग में एक बात हिट कर जानी चाहिए कि इंस्टीट्यूट आपको प्रैक्टिकल नहीं देने वाला। सर मैथ तो विदाउट प्रैक्टिकल हो ही नहीं सकती, मैंने कहा हो सकती है, मैं आपको बताता हूँ देखो कैसे होगी प्रैक्टिकल। इंस्टीट्यूट आपको विदाउट प्रैक्टिकल आपको पेपर देगा, 50 क्वेश्चन आएंगे ना, तो उस 50 क्वेश्चन में आपके पास थ्योरीज ही मैक्सिमम पूछे जाएगा। ये मेरा अनुमान है, फोरकास्टिंग है, ऐसा नहीं कह सकता कि मैं यही होगा, पर मैं बता सकता हूँ मैक्सिमम। देखो अगर सोचो ना, आप खुद ही सोचो, विदाउट पेन और पेपर, चलो कैलकुलेटर नहीं भी होता, विदाउट पेन और पेपर मैथ किया ही नहीं जा सकता। ये आपको भी पता है, ये मुझे भी पता है, और ये हमारे इंस्टीट्यूट को भी पता है कि विदाउट पेन और पेपर मैथ को किया ही नहीं जा सकता। एसएससी वाली थोड़ा मैथ है भाई, और एसएससी वाली मैथ होती है उसके अंदर भी पेन की जरूरत पड़ती है, उसके अंदर एक मिनट में एक बहुत कम टाइम में मैथ को क्लियर करना पड़ता है। और रीजनिंग, जैसे कि आप सोचते हो ना मैथ कहते हैं रीजनिंग होती है, तो वो रीजनिंग नहीं है ना मैथ, हमारा डिफरेंट मैथ है। तो दोस्तों ये बात तो यहाँ ये तय है कि इंस्टीट्यूट अगर 50 क्वेश्चन पूछेगा तो अप्रोक्स जो मेरा मुझे लगता है, जहां तक मुझे लगता है, मैं फिर कह रहा हूं आप मेरी बात को जो मैं बोलूंगा जिस तरीके से उस तरीके से पढ़ोगे तो सही रहेगा, मुझे जहां तक लगता है कि 45% to 47% पेपर जो आएगा, सम्स आएंगे, वो पूरे थ्योरी बेस्ड होंगे, या फिर अगर प्रैक्टिकल आया तो ऐसा प्रैक्टिकल होगा जो मन में ही सॉल्व हो जाए, ऐसा प्रैक्टिकल होगा जो माइंड के अंदर ही आप सॉल्व कर दोगे, वो ऐसा प्रैक्टिकल होगा। जैसे डुप्लीकेट रेशियो निकालना, अब 2 और 3 का डुप्लीकेट निकालना, 2 2 4 और 3 3 9 ये आ गया, तो ऐसे कह रहा हूं मैं। ट्रिप्लीकेट रेशियो निकालना तो आप मन में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज अगर आपके पास, देखो तो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं, तो अगर आपने जितनी भी तैयारी करी, सर हम तो कब से लगे हुए प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल करने में, प्रैक्टिकल करते करने में इंस्टीट्यूट को बड़ा दिमाग खराब कर दिया, इंस्टीट्यूट ने एंड में आकर ये कह दिया कि पेन और पेपर यूज नहीं करना। तो ये पेन और पेपर यूज नहीं करने का मतलब यही हो गया कि इंस्टीट्यूट आपसे कम प्रैक्टिकल पूछेगा, पूछेगा पर बहुत कम होगा, बहुत कम प्रैक्टिकल पूछेगा, जिससे आप जो प्रैक्टिकल पूछेगा भी ना वो भी ऐसा प्रैक्टिकल होगा जो आप माइंड में ही सॉल्व कर लो, क्योंकि पेन और पेपर तो यूज कर नहीं सकते, बिल्कुल रिस्ट्रिक्शन लगा दी उस चीज के चक्कर में। तो दोस्तों मैं अब जिस तरीके से आपको बताऊंगा उस तरीके से आप पढ़ लीजिए, होपफुल आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। एक बार मैथ का सबसे डर होता है अकाउंटेंसी के अंदर प्रैक्टिकल नहीं पूछेगा, अकाउंटेंसी में थ्योरी पूछने का बहुत चांसेस होते हैं, अकाउंटेंसी में बहुत थ्योरी पूछी जा सकती है यार, प्रैक्टिकल अगर एक भी ना पूछे तब भी अकाउंट में 100-200 क्वेश्चन थ्योरी के बन सकते हैं, पर मैथमेटिक्स के अंदर कैसे बनेंगे। तो पहले मैं मैथ की बात करता हूँ, फिर स्टैट्स की बात करता हूँ। इस वीडियो के अंदर हम पूरी पूरी ध्यान से देखें, बहुत सारे स्टूडेंट है जो क्लिक करते हैं वीडियो देखते हैं पर पूरी नहीं देखते, उनको लगता है बोरियत है, पर उनके लिए अगर आपको एक अगर एक स्टूडेंट भी ढंग से पूरी वीडियो देखते हैं ना तो कभी प्रॉब्लम नहीं आती उसको, क्योंकि मैं हर एक बातों को कवर करते हुए चलता हूँ। दोस्तों रेशियो वेरिएशन एंड प्रोपोर्शन अगर चैप्टर अगर आपका है तो ये लाइन देख लो, रेशियो का मतलब क्या है, रेशियो इज अ कंपैरेटिव रिलेशन बिटवीन टू क्वांटिटी ऑफ अ डैश काइंड ऑफ अ सेम काइंड या सेम यूनिट, ऐसा लिखा हुआ, रेशियो इज अ कंपैरेटिव रिलेशनशिप बिटवीन, पहला सेम काइंड सेम यूनिट, ओनली सेम काइंड ओनली सेम यूनिट, या ऑल ऑफ द अबव या नॉन ऑफ द अबव, आ गया ना थ्योरी। अब बताओ यहां पर क्या कैलकुलेटर की जरूरत है,
यही तो मैं बताना चाह रहा हूँ किस तरीके। सर अब तो सर हमें पूरा पढ़ना पड़ेगा। मैंने कहा हाँ दोस्तों, जैसे कि मैंने कहा देखो ये क्या तरीका बताया, देख रेशियो इज अ कंपैरेटिव रिलेशन बिटवीन टू क्वांटिटी ऑफ अ सेम काइंड इन द सेम सेंस एक्सप्रेस सेम काइंड एक्सप्रेस द सेम यूनिट। तो क्या होना चाहिए, ये लिख देगा सेम काइंड एक्सप्रेस द सेम यूनिट, ओनली सेम काइंड, ओनली सेम यूनिट या नन ऑफ द अबव। तो आप कहोगे सेम काइंड एक्सप्रेस इन द सेम यूनिट इज द राइट आंसर। इसके अंदर कैलकुलेटर पेन पेपर की जरूरत नहीं होती दोस्तों, आ गया ना मैथ में थ्योरी। देखो फिर मैं आपको दिखाता हूं ये क्यों इंस्टीट्यूट पागल तो मैं क्यों देता है ये थ्योरी। अगर आपने मेरी क्लासेस को ध्यान से देखा है तो उसके अंदर देखा होगा तो मैंने थ्योरी को बहुत ज्यादा कवर करी है। थ्योरी और थ्योरी सारी बेसिक कॉन्सेप्ट की क्लास तो मैंने डाल रखी है, ठीक है, और कुछ प्राइवेट है कुछ पेड है वो आपको खरीदनी पड़ती है, पर अभी कोई फायदा नहीं है उसका चीज का, अभी तो बस अपना खुद से पढ़ना पड़ेगा। इन द रेशियो ऑफ ए रेशियो बी एंड ए एंड बी आर कॉल्ड द टर्म रेशियो। हियर ए आपसे पूछेगा बता अगर एक रेशियो है ए टू बी तो ए को क्या बोलेंगे, एंटीसिडेंट या फिर कुछ दूसरा या फिर ऑल ऑफ द अबव या फिर नन ऑफ द अबव। अब इसके अंदर थ्योरी ही है प्रैक्टिकल है। और बी क्या बोलेंगे, कॉन्सिक्वेंट। अब ए और बी आपको बोलेगा देख पाएगा इन द रेशियो टू टू थ्री टू इज डिफाइंड एज एंटीसिडेंट कॉन्सिक्वेंट बोथ या नन ऑफ द अबव। आप कहोगे एंटीसिडेंट। अगर बोलेगा थ्री तो आप कहोगे कॉन्सिक्वेंट। तो ये होगी थ्योरी। तो आप ये बिल्कुल मत समझना कि प्रैक्टिकल के हिसाब से मैथ बन ही नहीं सकता। बना दिया मैंने दो क्वेश्चन खड़े खड़े बना दिए मैंने, क्या इंस्टीट्यूट टाइम लगाकर 10 क्वेश्चन ही बना देगा मैथ के अंदर तो मैथ कवर हो जाएगी। 40% मैथ है। अगर मैं कहूँ भाई 50 में 50 एमसीक्यू आने वाले हैं, 50 में से 40% है तो 20 एमसीक्यू पूछेगा मैथ के अंदर, 20 पूछेगा। अब 20 में से आप दो तो मैंने बना दिया भाई, और भी बना सकता हूँ मैं। तो देखो अभी टू और मोर रेशियो कैन बी कंपेयर बाय रिड्यूसिंग देम इन द सेम डिनोमिनेटर। ऐसा बोलते हैं टू और मोर रेशियो कैन बी कंपेयर बाय Reducing them in a different denominator, same numerator, same denominator, a different numerator. अब बताओ आप बोलते same denominator. सर ऐसे आया तो हम तो भाई अपना confidence lose करते हैं। दोस्तों confidence lose करने वाली बात नहीं है, ये आप ना आपका basic है। देखो जैसे मैंने कहा अगर a बराबर b है तो a और b क्या बोलेंगे, equal ratio बोलेंगे। अगर a बड़ा है b से तो उसको क्या बोलेंगे, inequalities बोलेंगे। तो ये होती है theory math के अंदर, ये होती है theory। ये होती है थ्योरी। इनको एक एक चीज मैंने डिटेल में कराई थी और इसके बेसिक हर एक चैप्टर के तीन तीन चार चार क्लास मैंने अपलोड करी हुई है दोस्तों। अगर आप उतना भी पढ़ लोगे ना वहां पर बेसिक कवर कर रखा है मैंने, ठीक है, बेसिक वहां पर कवर कर रखा है। इनवर्स रेशियो और रेसिप्रोकल रेशियो। अब इनवर्स रेशियो कंपाउंड रेशियो देखो ये है थ्योरी, ये है थ्योरी दोस्तों। अब आपको ना ये की पॉइंट पढ़ने, आपको ना ये की पॉइंट देखो प्रैक्टिस करनी थी जितनी पढ़नी। अब आपके पास प्रैक्टिस करने का टाइम तो है नहीं, आपको फिर कह रहा हूँ आप क्वेश्चन सोल्व करने का जितना कर दिया भूल जाओ, क्वेश्चन मत करो सोल्व भाई, जितने करने थे कर लिए, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अब जरूरत क्या है, जिस हिसाब से इंस्टीट्यूट कह रहा है कि पेन और पेपर का यूज नहीं किया जाता, तो मैथ के अंदर विदाउट पेन और पेपर काम हो ही नहीं सकता। इसका मतलब मैथ में क्या आएगी, थ्योरी आएगी। थ्योरी क्या आएगी, ऐसे आएगी देखो, और बच्चा ऐसा फंस जाएगा पूरी तरह, बच्चा फंस जाएगा भाई। मैं आपको कह रहा हूँ आपका कॉन्फिडेंस बिल्कुल लूज जाएगा। इसलिए मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ कि कैसे थ्योरी पूछ सकता है इंस्टीट्यूट, और जब भी मैं टेस्ट बनाता हूँ तो मैं ऐसे थ्योरी पूछ लेता हूँ, ठीक है। तो ये इफ टू और मोर रेशियो आर मल्टीपल टुगेदर देन द रेशियो इज कॉल्ड कंपाउंड रेशियो। अगर दो या दो से ज्यादा मल्टीपल टुगेदर होते हैं कौन सा, कंपाउंड रेशियो, इनवर्स रेशियो, रेसिप्रोकल रेशियो, डुप्लीकेट रेशियो, ट्रिप्लीकेट रेशियो, क्या होगा कंपाउंड रेशियो, ये पूछेगा दोस्तों, ऐसे पूछेगा। अब आपको ना क्या करना पड़ेगा, एक एक थ्योरी पॉइंट को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। देखो डुप्लीकेट रेशियो क्या करेगा, क्या ये आपको दे देगा और कहेगा बताओ ये डुप्लीकेट रेशियो, ट्रिप्लीकेट रेशियो, सब डुप्लीकेट है, सब ट्रिप्लीकेट है, आपसे पूछेगा ऐसा दोस्तों, यही चीज। तो आपको कंट्री रेशियो के बारे में पूछेगा, कहता कंट्री रेशियो इज द रिलेशनशिप बिटवीन द मैग्नीट्यूड ऑफ टू और मोर रेशियो एंड डिनोटेड विद द एबीसी, ऐसा पूछ लेगा दोस्तों। यही तो मैं कह रहा हूँ कि थ्योरी बन सकती है, आप ये बिल्कुल मत सोचिए आपके माइंड में, बिल्कुल ये दिमाग में ऐसा नहीं आना चाहिए कि थ्योरी नहीं बन सकती। मैथ के अंदर अभी भी 100 के 40 नंबर के मैथ के अंदर 100 थ्योरी बनाकर तैयार कर दूंगा, बट आप ये ध्यान से देखें दोस्तों कि कृपया करके उसको समझे, जितने क्वेश्चन करने थे कर लिए, अब मत करना उन क्वेश्चन को। अब क्या करना, मैं समझा रहा हूं आपको, ये जो कॉन्सेप्ट पॉइंट है इनको पढ़ना है आपको, और इनको लिख लिख कर पढ़ना है दोस्त, लिख लिख कर आपको कॉन्सेप्ट पॉइंट पढ़ना है, ठीक है। जैसे ये चीज फालतू की नहीं होती। आप ना मैथमेटिक्स के अंदर, अगर आप मैथमेटिक्स के अंदर जिसने मेरी क्लास ली उनको पता है सर एक एक चीज एक लाइन ऐसी बताई है ना मैंने, इसमें एक एक लाइन ऐसी, एक एक लाइन पर एक एग्जांपल दिया था, तो मैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं सभी स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ जिसने क्लास ली हो या नहीं ली हो, हेल्प सबकी है दोस्तों। इसलिए व्हेन द क्वांटिटी इंक्रीज बाय द गिवन रेशियो मल्टीप्लाई द क्वांटिटी ग्रेटर रेशियो। अब बताओ ये आएगा थ्योरी, तो ये कॉन्सेप्ट पॉइंट को आपको पढ़ना है भाई। अब आपके पास देखो इंस्टीट्यूट ने लेट बताया, क्या ही कर सकते हैं इसके अंदर, जितने दिन बचे उतने दिन में तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको कैसे पढ़ना है, तो आप उतनी तो मेहनत कर लीजिए एटलीस्ट।
एटलीस्ट आप उतनी मेहनत कर लोगे तो आप आराम से पास हो जाओगे। 40 नंबर चाहिए मैथ में पास होने के लिए, और 40 नंबर के लिए आपको 20 क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे तो आप मैथ में पास हो जाओगे। तो 20 क्वेश्चन में से आपके पास मैथमेटिक्स में कैसे सवाल आएंगे, ऐसे सवाल आएंगे, समझ में आ गया। तो ये कॉन्सेप्ट पॉइंट जो है ना, ये आपको पढ़ने हैं, ये रूल्स वगैरह। अब क्वेश्चन सोल्व नहीं करना मेरे भाई, जितने क्वेश्चन सोल्व करने थे 3-6 महीने में 6 महीने 7 महीने में आपने आराम से कर लिए। अब क्वेश्चन सोल्व करने का टाइम है ही नहीं, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे भी तो फायदा कुछ नहीं आएगा पेपर में, क्योंकि जिस साफ सा कह रहा है पेन और पेपर का यूज कर ही सकते, और विदाउट पेन और पेपर क्वेश्चन सॉल्व हो नहीं सकते। कैलकुलेटर का यूज नहीं करते तो कैलकुलेटर बिना हो ही सकते, सोचो ना। इसका मतलब इनडायरेक्टली क्या कहना चाहता है इंस्टीट्यूट से, कि पेपर कैसा आएगा, पेपर मैथ का भी थ्योरी बेस्ड पर आएगा, जिसमें आपको कैलकुलेटर उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारा थ्योरी की एक भी सम्स नहीं होगा। अगर होगा तो कुछ ऐसा सम्स होगा जो बहुत ही ज्यादा सिंपल होगा, डुप्लीकेट कैसे कर निकालते हैं, ये सब आ रहा समझ में आपको, क्लियर है मेरे भाई। ये सब ये बेकार बेकार वेस्ट ऑफ टाइम है, हो गया आपका वेस्ट ऑफ टाइम, बेकार है मेरे भाई। अभी ये पढ़ने की आप जरूरत नहीं है भाई, ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। हाँ ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं जैसे कि थर्ड क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन जो हो सकता है, जो कि आप माइंड में सोल्व कर सकते हैं। ये देखो सब डुप्लीकेट रेशियो क्या होगी, ये का सब डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा भाई, ये आ सकता है आराम से 7 और 9। देखो 7 और 9 हो जाएगा इसका सब डुप्लीकेट, ये नहीं कह सकते अब इसके कैलकुलेटर की जरूरत है, ऐसा हो सकता पूछ लेगा भाई। प्रैक्टिकल आएगा कैसा आएगा, ऐसा आएगा सब डुप्लीकेट रेशियो 49 और 81 कितना होगा 7 और 9। और अगर आपने मेरी बातों को ध्यान सुना है, अगर मेरी बातों को ध्यान सुन लो, मैं कह रहा हूँ कि भाई कॉन्सेप्ट ही पढ़ो, सिर्फ कौन सा पढ़ो, आप क्वेश्चन में सॉल्व करो, ऐसा देखो ऐसे क्वेश्चन को उठाओ जो आप एक बार अपने माइंड में सॉल्व कर सकते हो, वही पेपर माने वाले हो, कुछ नहीं आएगा पेपर के अंदर, मैं आपको बता रहा हूँ। सिंपल है तो आप तो सिंपल कह देते हो, पर है देखो मैंने कहा भाई बताओ इनवर्स रेशियो ए इज सेड टू बी वेरी, देखो आपका 4 ऑप्शन दिए होंगे, आप पढ़ भी लोगे ना, अगर आप पढ़ भी लोगे और पढ़कर उसको लिख लिख कर पढ़ना है, पढ़ने का मतलब ये नहीं कि आप ही पढ़ लिया, ये देखो मेहनत करनी पड़ेगी। अब वो स्टूडेंट जिनकी मैथ कमजोर है या जिन्होंने अभी मैथ में भी कुछ नहीं सिलेबस का, उनके लिए बेनिफिट हो गया मेरे दोस्तों, आपके लिए बहुत अच्छा बेनिफिट है। सिर्फ आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ना, उसको रट लेना है, और जिन्होंने कॉन्सेप्ट पढ़ा नहीं है उन्होंने क्वेश्चनों पर ध्यान दिया तो कृपया करके कॉन्सेप्ट को ध्यान दिया, कॉन्सेप्ट को ध्यान दीजिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त। अब इस केस के अंदर ये सब कहता है स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाइम, देखो एग्जांपल इनका ये है थ्योरी, आपसे पूछेगा भाई थ्योरी ऐसे बनती है थ्योरी, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप स्टैट्स के अंदर तो है थ्योरी, स्टैट्स के अंदर तो दोस्तों थ्योरी है, देखो आप कितनी थ्योरी मिल जाएगी स्टैट के अंदर, इसका कोई हिसाब नहीं विदाउट, ये देखो ये थ्योरी इनमें कैलकुलेटर की स्टैट्स में तो थ्योरी फॉलो आप स्टैट, देखो मोस्ट रिक्वायरमेंट ये तो स्टैट्स के अंदर तो आप बात ही नहीं कर सकते। 30 नंबर का आपके पास स्टैट्स आएगा और 30 नंबर में 20 क्वेश्चन आएंगे स्टैट्स के, आपके प्रोबेबिलिटी मिलाकर 30 क्वेश्चन, 30 में से मैं आपको स्टैट्स के अंदर 150, 200, 300 थ्योरी है इसके अंदर। देखो ना ये सारी क्या है, ये थ्योरी तो है, स्टैट्स की थ्योरी पढ़ो भाई आप, जितने एमसीक्यू में थ्योरी है, जितने एमसीक्यू में थ्योरी है सब पढ़ो, इनको सब रटो, लिख लिख कर करो, इनको लिख लिख कर करो, रट जाओ पर इनको। 30 नंबर अगर यहां से बिगेन कर दिया और मैथ में मान लेते हैं नहीं आए, तो इस केस के अंदर आप पास तो हो ही जाओगे, पास ही तो होना है मैथ में, इस सिचुएशन के अंदर पास हो जाए वही बहुत बड़ी बात है। अच्छे नंबर तो चलो प्रैक्टिकल होता है, वैसे होता तब अच्छे नंबर लेते हैं, इंटर में ले आएंगे भाई अच्छे नंबर, पर अभी पास होना है। तो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि स्टैट्स के अंदर तो आप ये कह नहीं सकते कि थ्योरी नहीं है, तो स्टैट्स में थ्योरी आराम से पूछ लेगा वो। मैथ की जो बात की मैंने आपको मैथ क्लियर कर दिया कि मैथ में किस तरीके से थ्योरी पूछ सकता है वो आपसे, तो भाई अब आप बस पढ़ने लग जाओ, अब आपको क्वेश्चन एक भी नहीं करने, पढ़ने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, लॉजिक को समझो, लॉजिक पढ़ो, कॉन्सेप्ट पढ़ो, उसको लिखो करो, लिखो भाई लिखो, विदाउट लिखकर नहीं आएगा, मैं आपको फिर कह रहा हूँ। अगर आपने सिर्फ पढ़ा तो नहीं कर पाओगे, लिख लिख कर करना है आपको, क्या करना है मेरे भाई, लिख लिख कर करिए, कृपया करके, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। तो मैं इस वीडियो के अंदर बस यही बताना चाहता था आपको कि मैथ का पेपर किस तरीके से बनाएंगे, विदाउट पेपर थ्योरी कैसा आएगा, मैथ पेपर हाउ टू सॉल्व मैथ पेपर, और कैसे मैथ की पेपर की तैयारी करें, हम कैसे मैथ की पेपर की तैयारी करें, और विदाउट पेन और पेपर मैथ का पेपर कैसे तैयार करें, और किस तरीके से क्वेश्चन आने वाले हैं मैथ के अंदर, तो ये चीजें मैंने आज की क्लास में आपको बताया, आज की वीडियो में बताया। ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल पर बने रहे, टेलीग्राम चैनल अगर ज्वाइन नहीं करा तो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लिए, दीपक क्लासेस 750 करके आपके पास सर्च करोगे टेलीग्राम पे तो आपके पास आ जाएगा। दोस्तों थैंक यू, आज के इतना ही, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।